इंडक्टिव रीजनिंग रीजनिंग की दूसरी टाइप है जिसमें इन्वॉल्व होता है रीचिंग कंक्लूजन फ्रॉम एविडेंस इन इंडक्टिव रीजनिंग कंक्लूजनस आर सजेस्टेड विद वेरिंग डिग्रीज ऑफ सर्टर्निटी बट डू नॉट डेफिनेटली फॉलो फ्राम प्रेमिस यानी वो जो स्टेटमेंट ऑब्जर्वेशन है मसलन All the cows I have seen in Lahore are black. When I visited my village, all crows were black there too. so all the crows in Lahore are black.. Conclusion: it's pretty good bet that all crows are black, as we can see a premises se necessarily following raha. लेकिन ऑब्जर्वेशन से आप इस नतीजे को महफूज समझते दिस इज़ कॉल्ड इंडक्टिव रीजनिंग जब लोग अपने सबका तजर्बे की रोशनी में आज के अपने बिहेवियर को गाइड करते हैं तो वो शॉर्टकट इस्तेमाल करते हैं कंक्लूजन तक जल्दी पहुंचने के लिए सो इन ऑर्डर टू रीच द कंक्लूजन रेपिडली पिछले तजर्बा जो है वो इस्तेमाल होता है क्योंकि हमारे पास ये टाइम और एनर्जी नहीं है कि हम स्टॉप करें और गैदर करें जमा करें हर किस्म के शवाहद और इंफॉमेसन ताकि हम सौ फ़ीसद श्योर हो सकें हर कौवा दुनिया का जो है उसको आप देखें तो फिर नतीजे पे पहुंचे इसलिए हम कुछ शॉर्टकट इस्तेमाल करते हैं ये शॉर्टकट जो है इन्हें ह्यूरिस्टिक्स कहते हैं या रूल ऑफ थम कहते हैं दैट आर लाइकली टू प्रोवाइड द करेक्ट आंसर टू अ प्रॉब्लम बट आर नॉट फुल प्रूफ

कम होने वाले वाकआत जो हैं हमारी जहन में ज़्यादा स्टैंड आउट करते हैं और हम उसको ज़्यादा फ्रीक्वेंट ऑब्जर्व करते हैं लेकिन कई दफ़ा ऑब्ज़र्वेशन ज़्यादा फ्रीक्वेंट इवेंट्स की भी होती हैं जब हम इन दो चीज़ों में कोरिलेशन बनाते हैं हम अपने आप को फूल कर रहे होते हैं कि के अगर ऐसा दो चार बार हुआ है तो हमेशा ही ऐसा होता होगा ये इल्यूजरी कोरिलेशन कहलाती है स्टीरियोटाइप भी एक इल्यूजरी कोरिलेशन है यानी लोगों के बारे में कोई इंप्रेशन बना लेना स्टीरियोटाइप एक एल्यूजरी कोरिलेशन होती है जो हम कॉमो लोगों तबकों या किसी खास ग्रुप के बारे में बना लेते हैं ये एक्सपेरिमेंट जो है ये लोगों से पूछता है कि यूएसए में डेथ का कॉज क्या है तो होमिसाइड मोर है अपेंडेसाइटिस लेस लाइकली है कितने लोगों ने इसको लेस लाइकली पिक किया होमेसाइड को हालांकि एक्चुअली जो होमेसाइड है वो बीस आपको नजर आ रही है एस्टमा जो है वो फोर्टी वन लोगों ने लेस लाइकली पिक किया हालांकि एस्टमा जो है वो नौ सौ बीस डेथ्स की वजह है यूएस में तो ये एक एलूजरी हम वो बना लेते हैं कि ये इस चीज की वजह से क्योंकि हम उस चीज के बारे में ज्यादा सुन चुके होते हैं दूसरा ह्यूरिस्टिक है रिप्रेजेंटेटिव ह्यूरिस्टिक इज रिलेटेड टू द आइडिया दैट पीपल ऑफन मेक जजमेंट्स बेस्ड ऑन हाउ मच वन इवेंट रिजेंबल्स एन अदर इवेंट अब एक रैंडमली पिक्ड पर्सन है उसका नाम अहमद है वो एनक लगाता है नरम लहजे में बोलता है और पढ़ता बहुत है आपका क्या ख्याल है वो किसान होगा या लाइब्रेरियन होगा इस तरह का जब दिया गया तो इसमें अक्सर लोग कहते हैं कि वो लाइब्रेरियन है क्योंकि हमने अक्सर लाइब्रेरियन को इस तरह का ज़्यादा देखा है किसानों को कम लेकिन ये भी एक रिप्रेजेंटेटिव हेरूस्टिक हम बना रहे हैं तमाम लाइब्रेरियन ना तो इस तरह के होंगे और ना ही तमाम किसान जो हैं वो बगैर है के होंगे कुछ रिजम्बलेंस हो जाती है तो उसके नतीजे में हम जो है वो कुछ नतीजे निकाल लेते हैं अपनी रीजनिंग में कंजक्शन रूल्स हैं स्मॉल सैंपल्स आर नॉट रिप्रेजेंटेटिव और कन्फर्मेशन बायस जो है वो हम करते हैं क्योंकि कोई एक चीज़ होती है तो हमारा वो आइडिया कंफर्म हो जाता है और हम उस पर पक्के हो जाते हैं हालांकि वो एक ही चीज़ एक ही दफा हुई है ये लेफ्ट में जो आपको नजर आ रहा है जब किसी से कहा गया कि वो खातून जो है वो औरतों के हकूक के लिए बहुत एक्टिव हैं और वो इस तरह के कपड़े पहनती हैं और इस तरह की तहरीरें लिखती हैं बताएं कि वो फेमिनिस्ट बैंक टेलर है या बैंक टेलर है आप ये देखें कि इस बड़े दायरे में फेमिनिस्ट बैंक टेलर सिर्फ इतनी सी हैं तो इसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा है ना लेकिन हम प्रॉबेबिलिटी जो एक कंजंक्शन रूल है उसको इग्नोर करके हम कहते हैं कि जरूर फेमिनिस्ट होगी बैंक में काम करने वाली फेमिनिस्ट लेकिन वो कितनी थोड़ी सी प्रपोर्शन है पॉपुलेशन ऑफ बैंक टेलर्स की